दोस्तों, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जानवरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और उनके साथ हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, ये मानव जाति से थोड़े कमजोर ही होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है तो बचपन में सिखाई गई ये बात वो इंसान भूल जाता है और उन इंसानों की वजह से ये जानवर सालों तक गुलामी में रहते हैं और यहाँ तक कि वो अपना असली वजूद भी भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, खतरनाक से खतरनाक जानवर भी टूट जाता है जब उसे भूखा और सालों तक चैन में बांधकर रखा जाता है। लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे जानवरों को आजादी दिलवाते हैं, और आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बदकिस्मत जानवरों की बात करेंगे जिनको मानवों द्वारा मानवों से ही बचाया गया। दुनिया के बहुत से देशों में होने वाले सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लग चुका है। लेकिन पेरू में एक सर्कस में ऐसे जानवरों का खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है। पैसे के पीछे भागने के चक्कर में वो लोग कानून तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और परिणाम स्वरूप कुछ जानवरों को सालों से ही नहीं बल्कि दशकों से इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। मुफासा नाम का ये शेर, जिसे जबरदस्ती नशे करवाकर सर्कस में शो करने के लिए लाया जाता है, और ये सब 20 सालों तक चला। 20 साल तक मुफासा पूरे देश में सर्कस वालों के साथ घूम घूम कर अधमरी हालत में शो करता था। उसे हमेशा एक ट्रॉली से बांध कर रखा जाता था। लेकिन तभी एक एनजीओ को इसके बारे में पता चला और तभी उन्होंने इस शेर को बचाने का प्लान बनाया। एडीआई नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने मुफासा के साथ साथ और भी जानवरों को वहां से बाहर निकाला। जब एनजीओ वालों ने पहली बार मुफासा को देखा तो वो बेहोशी की हालत में था और उसे हर रोज बेहद खतरनाक तरीके से नशा करवाकर रखा जाता था। बाहर से दिखने में तो वो शेर था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। इतना खोखला कि अब वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था और अपना वजूद भी भूल चुका था। जब उसे जंगल में रहने के लिए लाया गया तब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसी कारण उसे पहले एक नेशनल पार्क में रखा गया और उसकी देखभाल अच्छे से की गई, और 20 साल में पहली बार मुफासा ने पेट भर के खाना खाया। बदकिस्मती से सालों तक चैन में और पिंजरे में बंद रहने की वजह से मुफासा का शरीर बेहद दयनीय स्थिति में आ चुका था, और दिसंबर 2015 में मुफासा ने अपनी आखिरी सांसें ली। सीरिया में रहने वाला एक भूरा भालू जिसका नाम फीफी था, जिसे 10 साल तक एक लोहे की रोड से बने पिंजरे में रखा गया। आप शायद ये सुनकर रोने लग जाएं कि इन 10 सालों में फीफी को एक बार भी पिंजरे से बाहर नहीं निकाला गया। जू के मालिक फीफी के साथ ही तीन और भालुओं को भी ऐसे ही कैद करके रखते थे, और पैसे कमाने के लिए फीफी को छोड़कर बाकी तीनों भालुओं को सर्कस में भेजते थे। 1995 में बहुत से लोगों की शिकायत के बाद इस जू को बंद किया गया, और 10 साल में पहली बार फीफी को उस जंग लग चुके पिंजरे से बाहर निकाला गया। इन 10 सालों के दौरान फीफी को हफ्ते में 2 बार खाना और सिर्फ 3 बार ही पीने को पानी दिया जाता था, जिससे फीफी का शरीर बेहद दुबला और पतला हो चुका था। जब फीफी को बाहर निकाला गया तब फीफी बहुत सी बीमारियों से एक साथ पीड़ित हो चुका था। वो बस एक चलती फिरती लाश बन चुका था, और बाद में फीफी को एक एनिमल सेंचुरी में भेजा गया, और किस्मत से 5 महीनों के समय में ही फीफी एकदम ठीक हो गया। इसके बाद फीफी को खुले जंगलों में छोड़ दिया गया। आप कभी ना कभी जू में जरूर गए होंगे और देखा होगा कि जानवर इधर उधर घूम रहे होंगे, लेकिन क्या सभी जूज की हालत अच्छी ही होती है? मेरे ख्याल से तो नहीं। पेंसिल्वेनिया के एक रोड साइड जू में जब एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम वहां पहुंची तो उन्हें कुछ देर के लिए ये समझ में ही नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। एक छोटी सी चिड़िया से लेकर एक बड़े शेर या भालू, हर किसी को लोहे की तार से बने पिंजरे में रखा गया था। आप सोचकर देखें, सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बारिश, हर मौसम में ये जानवर खुले आसमान के नीचे पिंजरे में बंद रहते थे। उन्हें कैसा फील होता होगा जब वो सोकर उठते होंगे और चलने के लिए 2 कदम की जगह भी ना हो? ये दिल दहला देने वाली घटना जिसने भी सुनी उसकी आंखों में पानी जरूर आया। उन्हें खाने के साथ नींद की दवाई मिलाकर दी जाती थी। सबसे ज्यादा मुश्किल में जो जानवर था वो था वहां रहने वाला टाइगर। उसे उस पिंजरे में बहुत साल पहले डाला गया था, और एक फुर्तीला जानवर अब सिमट कर रह गया था। ना ही उसे भागने के लिए जगह मिली और ना ही उसे खाने के लिए खाना। और आप शायद विश्वास ना करें, लेकिन वहां इतने सारे जानवरों को बंद करके रखा गया था कि उन सबको वहां से बाहर निकालने में 2 महीनों का समय लग गया। दोस्तों, आप लोगों को इन सब जानवरों की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने इससे पहले राजू नाम के एक लाचार हाथी की कहानी भी बताई। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।